भगवान का प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी सप्तम वर्ष का ये दिव्य अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें पांचरात्रागम विधि से भगवान का महाभिषेक, अर्चना, श्रृंगार, यज्ञ, संप्रोक्षण, ये विविध कार्यक्रम वैदिक विधि से, आर्ष पद्धति से भगवान सांवरिया सेठ का मनाया जा रहा है। कोरोना महामारी के कारण बहुत पूर्व से ऐसा था कि अधिक लोग एकत्रित ना हों, इसके लिए इस बार संक्षिप्त कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य रूप से भगवान की पूजा आराधना अनुष्ठान को ही प्रधानता दी गई, और इसीलिए बहुत बृहद आयोजन कथा आदि के रूप में नहीं रखा गया। यद्यपि अब पुनः उसका सबकी छूट हो गई है, परंतु प्रतिवर्ष की तरह भगवान का विधि विधान से जो पूजन अर्चन अनुष्ठान यज्ञ होता था, उसमें किसी प्रकार कमी नहीं हुई। ये अनुष्ठान भगवान श्री सांवरिया सेठ प्रभु का इस गांव के, इस क्षेत्र के समस्त नागरिकों के, क्षेत्रवासियों के कल्याण के लिए ये किया जाता है। जैसा कि आज कल्याण उत्सव हुआ है, इस कल्याण उत्सव में मानव मात्र का और इस क्षेत्र वासियों का परम कल्याण हो, इसी उद्देश्य से ये सुंदर भगवान का कल्याण महोत्सव आज मनाया गया। कल प्रातःकाल 9 बजे भगवान का ध्वजारोहण है, उसके बाद 108 कलश से भगवान का दिव्य महाभिषेक है, फिर पूर्णाहुति है, और इस प्रकार भगवान का महोत्सव संपन्न होगा। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।